तो आज की खबर में महाराष्ट्र की राजनीति का नया पैंतरा। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और हमसे भूल हो गई क्लब के ताजा अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ठाकरे साहब कह रहे हैं, हमसे गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। यानी ये वही इंसान है जिन्होंने राजनीति के कुश्ती अखाड़े में बड़े बड़े दांव लगाए और अब हार का ठीकरा खुद के सिर पर फोड़ने की तैयारी में है। ऊपर से ये भी कह दिया कि अगर बीजेपी मुझसे बात करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। अब भाई ये कौन सी राजनीति है? पहले साथ थे, फिर अलग हुए और अब प्लीज कॉल मी बैक का मोड ऑन कर दिया। ठाकरे साहब का कहना है कि उनकी गलती थी अब्दुल सत्तार जैसे ज्वालामुखी को पार्टी में लेना, उनका तो मानो पछतावे का महासागर बह निकला हो। बोले 2019 में इनको पार्टी में लेकर गलती कर दी, मंत्री बना दिया लेकिन फिर भी भूख शांत नहीं हुई। अब ये भूख किस चीज की थी ठाकरे जी? सत्ता की, संपत्ति की या फिर आपकी सीट खींचने की? अब ये देखिए, राजनीति में कब्र खोदने वाले अब पुल बांधने की बात कर रहे हैं। ठाकरे जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, हमारे मनभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद हैं। अरे वाह, राजनीति का ये कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज किया है ठाकरे साहब जो सब भेद साफ कर देगा। और ये बात भी मजेदार है कि वो बीजेपी से बात करने को तैयार हैं। शायद ठाकरे साहब भूल गए कि जब शिवसेना और बीजेपी का हम साथ साथ हैं वाला गाना बज रहा था तब उन्हें सियासत में कौन कौन से सुर काटने पड़े थे। अब आते हैं उस सत्तार नाम के किरदार पर जो ठाकरे साहब के सपनों का खलनायक बन चुका है। उद्धव जी का गुस्सा फूट पड़ा और बोले, सत्तार को मंत्री बनाया लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। अरे ठाकरे जी, ये भूख शांत करनी थी तो पहले पकवान में सावधानी बरतते। सत्तार साहब अब शिंदे गुट के साथ हैं और ठाकरे साहब उन्हें गद्दारों का राजा कहकर बुला रहे हैं। वैसे गद्दारी का तमगा तो ठाकरे साहब को भी मिलना चाहिए क्योंकि आपने भी तो बीजेपी का साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी का हाथ थामा था। अब सवाल उठता है कि ठाकरे जी का ये माफी योग क्या 23 नवंबर के बाद की राजनीति का ट्रेलर है? क्या ये वही प्लान है कि किंग मेकर बनकर जहां सियासी मेहरबानी मिले वहां झोला लेकर पहुंच जाओ? तो उद्धव ठाकरे के इस पलटी मार बयान पर आपकी क्या राय है कि बीजेपी इस प्लॉट ट्विस्ट को एक और सत्ता के भूखे नेता की दास्तां मानेगी या उद्धव जी के इस किंग मेकर पैंतरे में वाकई दम है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।